ये कहानी है एक कमज़ोर विद्यार्थी और एक ऐसे शिक्षक की जिन्होंने अपने पढ़ाने की शैली और अपने व्यवहार से उस विद्यार्थी को वह मुकाम तक पहुंचा दिया जहां तक वह पहुंचने की परिकल्पना तक नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं हमारी इस शॉर्ट फिल्म को। यह है रोहित जो गलती से हमारे शॉर्ट फिल्म का हीरो है। यह है पायल जो क्लास की टॉपर है जिसे रोहित अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है। और ये वो कबाब में हड्डी है जो अभी रोहित का जगह ले लिया है जिसका नाम विकी है। और पायल कैसी है? मेरे को तेरे साथ दोस्ती नहीं रखना तो ये है हमारे कुंदन सर जो स्वभाव में थोड़े खड़ूस हैं। हेलो हेलो भाई लोग कैसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते मैं आया हूँ खड़ा हूँ इधर चश्मा लगा बैठो भाई चश्मा बाबू बोलो ठीक है आना पड़ेगा काफी एक सर ध्यान सुन रहे इधर कोई मस्ती नहीं। नहीं पता ठीक है तुम बताओ उसमें कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है जो प्रोडक्ट कौन बोल तुम आ तुम इधर आओ फैजियर तुम्हें नहीं पता जस्ट तुमको लिखना है एलकेन का प्रोमो लिखना है लिखो जाओ लिखो आ अब आता है हमारे कहानी में ट्विस्ट। हमारे प्यारे कुंदन सर का ट्रांसफर हो जाता है पटना यूनिवर्सिटी में और एंट्री होता है द ललन टॉप टीचर मिस्टर जितेंद्र त्रिपाठी जिन्हें हम प्यार से जीतू भैया बोलते हैं। बचपन में बहुत खेलते थे हम लोग ठीक है उड़ाती करो उड़िया चलो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके टीचर का ट्रांसफर हो गया ठीक है तो अल्केन अल्काइन अल्कीन पढ़ेंगे ठीक है तो चलो देखो ठीक है इसमें है कह दो ना माइनस टू ठीक है बच्चों
कहीं चलो बच्चों, तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को मैंने तो ये बताओ टॉपर कौन है तुम्हारे क्लास में? अच्छा टॉपर तुम हो, और सबसे कम नंबर किसका आता है? नहीं बेटा ऐसे आते नहीं बच्चे, तुम्हारा नाम क्या? सर रोहित। रोहित बेटा क्या समझ में नहीं आता तुमको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेटा बहुत आसान से समझा जाता है। ठीक है चल हम तुम्हें रिएक्शन बताते हैं। ठीक है बैठो बैठो, देखो रिएक्शन है पिटार्ड रिएक्शन। देखो इसमें अपन को टी बोले तो टॉलविन, ठीक है एक ए बोले तो रेडी है। ठीक है अब देखो ये अपना हो गया बंडी, अब बोला है टॉलविन को हम लोग को एल्डिहाइड बनाना है। कैसे करना है? कैसे करना है? ब्रोमीन से करना है। ठीक है करना है ब्रोमीन, ब्रोमीन बोले तो ब्रोमीन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है देखो ये तो हो गया तुम्हारा लास्ट का क्वेश्चन, अब हम जाते हैं कॉम्पिटिटिव में। तो यहाँ पर पूछ देता है हमको कि ये बताओ तुम इसका इंटरमीडिएट क्या होगा। अब इंटरमीडिएट क्या होगा? ये क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक हम क्या करेंगे यहाँ से दो 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 एच पी निकालेंगे, दो एच पी निकालेंगे और फिर से गाना लेंगे। क्या लेंगे इस बार? ओ सी ओ बोलो, ओ सी ओ एच सी एल टू इंटरमीडिएट। ठीक है ये जो क्वेश्चन है ये पूछेंगे हमको बड़े पेपर में। समझ में आएगा बच्चों? यस सर। समझ में आ बेटा? यस सर। ठीक है अब देखो बच्चों एलईडी से पेपर आ रहा है, नजदीक है, चार महीना बचा है, कौन कौन प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दिए? सब देंगे पेपर बेटा, प्रयास करो पेपर देने का। सर बेटा इतने आसानी समझाया मैंने गाना, ये देखो कोई भी चीज जो है ना थोड़ा पढ़ोगे थोड़ा पढ़ोगे सब बन जाएगा। सर आप समझाए वो समझ में आ गया, पहले नहीं आता। तो कोशिश करो, कोशिश करोगे थोड़ा सा थोड़ा सा लगाओ थोड़ा सा लगाओ, खुद से सोचो इन्वेंट करो नया नया चीज, अपने आप आसान तरीके से समझोगे आराम से बन जाएगा। इसके बाद रोहित पूरी तरह से बदल जाता है, वह टीचर की बात से इस प्रकार प्रभावित होता है कि वह दिन रात पढ़ाई करने लगता है और मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगता है। क्लास तो हो गई है पर बैठ के पायल का चेक कर लेता हूँ, पायल का जैम हो गया होगा। पायल का तो जैम नहीं निकला, अरे ये फिर अपने डिपार्टमेंट में मुश्किल है, फिर किसी का कहाँ निकला होगा। सर 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 आपका आशीर्वाद चाहिए। कैसे बेटा? अरे नहीं बेटा नहीं, गले मिलो बेटा, क्या हो गया बेटा? सर मेरा जैम निकल गया। अरे वाह।